महाराजी मान्शन है बेरहार शेख हसन बुल्ला वाले जबरदस्त अजीम हस्ती होती करीब रहन माशाला चार वर्ष उजरवले माशाला हिंदुस्थान आये नदवा आये ताल्लुक आरोप बोलता शेख हसन बुल्ला परवले को काम से अगर तंका जवाब अगर आए देखो अगर एक दावा भी तैयार भले निके होते खुशकिस्मत है हजरत मौला अली साहबाजी खिदमत हजरत मौला राबे साहबाजी खिदमत मौला वाजिद साहबाजी साथ रहा किसने किसने वलमा सिर्फ ये हमें अकाबरीची नावे घेता नदुदुलमा भीतर तेट मत कौन सी छोटी छोटी जो वलमा होते बेहतरीन मुफस्सिर बेहतरीन इब्न महाजिर एंड बेहतरीन एंड फकीर ये तेरे माने भीतर अन ये तब आटे मान तीन मामा बोल मौला ढाले तालीम हासिल कर ले तीन तेम तीन उस्ताद था एक मामूली चीज नहीं एक मदरसा पिता फारिग हासिल जाऊं तिंगा बिजी उस्ताद जाऊं अन तिंगा माशाल्लाह उस्ताद जाऊं इसी धकले उस्ताद में एक बड़े उस्ताद माशाल्लाह जितले एना भाई बेरून दुगुन आता तलबा येते होते मौला जी हवाले करून होते होते ये तमाम चार साल से तिंगा वाटे मौला दूसरा वाटे ते इनसे इनसे ठावर असल्ला फिर ते को एने वो काम करता लेकिन माशाल्लाह एक बिना घटे लाउल्लाह यरज़ुकुनी सलाहा कुछ नसीब हैं मौलाना फारूक साहब जिन्होंने लदवे से पूरा फैज हासिल किया वहाँ के उलमाए के नाम से लदवे में से बहुत सारे तलबा गए और मैं भी उन तलबा में शामिल था मगर हमारा जिम्मा नालायकों में रहा जो इस्तिफादा करना चाहिए था उलमाए के नाम से मौलाना की जेर सरपरस्ती हम वहाँ पे रहे 12 दिन रियासत मैसूर के ताल्लुक से बात आई तो मुझे वो दिन याद है मैं मौलाना को उन दिनों साइकिल का चलन में रहता था तो मैं मौलाना को सामने हैंडल पे बिठा के साइकिल के ऊपर जब भी किताब तरतीब दे रहे थे मौलाना तो उसकी इशारत के लिए उसकी दवात के लिए मौलाना को अपनी साइकिल के सामने वाली डंडी पर बिठा कर काफ़ी मतलब देखो तो घर उसके लिए भूखते हैं पता नहीं आज वो या मौलाना को याद है या नहीं है बहरहाल मैं इसको अपने लिए बड़ी खुशकिस्मती समझता हूँ कि हमारे हम आश्रम में से मौलाना ने जो है बहुत अच्छा इल्मी काम किया अल्लाह ताला जो भी उनके कदम पर चलने के दो नसीब फरमाए सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं तो मेरे लिए जो है यही खुशनसीबी की बात है कि मौलाना का हम असर रहा हूँ उनके जरे पर अस्थि वहाँ पर रहा हूँ अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी को दराज फरमाए और कौम को उनसे और ज़्यादा इस्तेमाल करने की तो हासिल हुआ था कि हमारे अकाबिर के जो बातें इस मौके पर बताई जाएंगी उसको अख्ज़ करूँ और उसको अपने अमली ज़िंदगी में जगा दूँ। माशाल्लाह हमारे मौलाना फारूक साहब के ज़रिए से हमने बहुत सारी बातें हमको मालूम हुई और इसके अलावा स्टेज पर जो हमारे उलमा इकराम मौजूद हैं उन्होंने भी बहुत सारी मुफीद बातें हमें बताई हैं। हम कोशिश इस बात की करें कि जो बातें बताई गई हैं उसको हम अपने अमली ज़िंदगी में जगा दें इसलिए कि मालूमात से आदमी की ज़िंदगी बनती नहीं है जब तक के उन मालूमात को मामूलात के सांचे में न ढाला जाए और हाल को हाल के सांचे में न ढाला जाए इसलिए हम लोग इस किताब को ज़रूर लें और इसका मुताला करें उसमें जो मुफीद पहलू ज़िंदगी की के मुख्तलिफ मोड के लिए हमें बताए गए हैं उस पर हम अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे इस पर अमल की तौफीक दें आप हजरात को अमल की तौफीक दें। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हजरत मौलाना फारूक साहब के ऊपर दराज फरमाए मजीद अल्लाह ताला उनसे खैर का काम लें
और हम सबको अपनी रजा की जिंदगी नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु अला नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन मौलाना फारूक साहब सरत में लफ्ज गब्दन के कुछ किताब बोला है जिनके फुतू रहे बोले बोले मानते हैं कि फुतू बोले ने इसलिए उलमा करम के फुतू। लेकिन फुतू जमा गुरु फाइल करवले में तो बोले तो बोले कमल में तो मोर बात दे के फाइल करवला आज किताब छप ले दे और पहला ना तो रहते थे किताब के दो पढ़ते क्या का दूसरा आज बराबर फायदा जरूर है पंचों को बराबर रिपोर्टिंग जरूर है आज एक मौका मिलो और हम के मौलाना नाथी साहब आज मौका मिलो एक बार किताब प्रिंट हो तो लेकिन पहले मोहब्बत से देखो को बधाई देता मैं आज बोली दबते लाइब्रेरी कई किताबें की किताबों पढ़ने की लिस्ट है देखो बोलो मैं हैरान दो मैं कई सी किताबें की लाइब्रेरी को जाके असल नंबर जाके लाइब्रेरी नाम आई तो आज ही रुपन पूरे काम कर दो देते जिनको हम जो उस तरह का पढ़ो लाइब्रेरी एक बार मुझे उस्तार दे लेकिन मगर हरी पर दे लेकिन माँ बोलते ये तो मैं तुझे इधर तो होता मैं लेकिन मैं जाएगा भाई पढ़ो तुझे सामु हरी मान जाता नहीं मौजा काफी से अपाम जैसे पढ़ ले कब्जे खेल ले सुबान भगवान की सदी सामु हमसे साथ होते मौकों मना मेरे क्लास में लेकिन पहला मैं दूसरे लेने जिलों में लेकिन पहला ये जो होती किताबें मगर मौलाना हमके डॉक्टर मनपाली साहब जो आठ पढ़ते थे इनका बड़ी फुटू देते थे और हम डॉक्टर से मौलाना हमके मुनीर साहब से हमका दर्शी तो समान होता है इनका को बने हुए देता हम इलाम मानों को कितना खुदू देता है इनका पढ़ती फाइट उन दरगाह मार कर लेकिन कर रहे थे लेकिन ये ठीक चीजों देख के इतने दुनिया के मार्ग लेते हैं उन्हें इनका मुझे तो कुछ आता है मुझे तो पहले खुदू मेरे को इसे चीजों उधर जी फाइट को मेंटल इन धरता में लेकिन बोले इनके आते जी आते इन फाइल को ना आते इनका किताब छोड़ दो मौका मिलो बाजार में भी ज्यादा रखे ना बोले चीजों ने आए मुझे मौका मिली और मौलाना हमका आटो के लिए मैं तुम तो शुक्रिया करते हैं यहाँ पर तो अपने दापुतो को मौका दे रहे मैं तुम तो सहजी से शुक्रिया करते हैं मुझे अपने खत्म करता हूँ वापस जावना अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल।